मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मैग्मा केमिकल फैक्ट्री में अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। पैकिंग मशीन के फटने से भयानक आग लग गई, जिसकी चपेट में 6 कर्मचारी आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर मंसूरपुर थाने की पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मैग्मा केमिकल फैक्ट्री में पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन हर बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फैक्ट्री में हादसे की जांच की बात कहते हैं, लेकिन जांच को लेकर जो रफ्तार होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। यही वजह है एक के बाद एक हादसे नजर आते हैं इस फैक्ट्री में। तो आज हुए हादसे को लेकर कोई भी पुलिस का प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के मालिक घायलों का उपचार कराने और परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कह रहे हैं। टाइम 4:03 पे स्पार्किंग बैलेंस वेट कर रहे थे लड़के, वहाँ स्पार्क हो गया था इलेक्ट्रिकल, उसके लड़के के उसमें लग गई थी आगे थोड़े कपड़े में, वो बजा दिया थोड़ा वहाँ के हो गया, फायर ब्रिगेड को बोला था वो आगे थे, अपने कंट्रोल कर लिया, उसने छोटी मोटी होती घायल तो 5-6 लोग हैं। मैग्मा फैक्ट्री है यहाँ पर, उसमें कुछ केमिकल बनाते हुए पैकिंग करते हुए जलने के लिए बताया गया कि जलने की अवस्था में यहाँ मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में आए। उपचार के दौरान मैंने उनको उपचार दिया और आयो सेंटर रेफर कर दिया है। ये 6 लोग थे, 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 3 वैसे हैं।